हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय योगी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खजूर की बर्फ़ी। खजूर की बर्फ़ी आप कोई भी ओकेज़न या फेस्टिवल पे बना सकते हैं। कुछ ही दिनों में राखी का त्यौहार आ रहा है, तो आप ये खजूर की बर्फ़ी घर पे आसानी से बना सकते हैं। खजूर बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम खजूर लिए हैं, 1/8 टीस्पून इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट लिए हैं काजू बादाम पिस्ता, खसखस, घी और एक्स्ट्रा पिस्ता, जिसे हम आखिर में फिर से गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हम खजूर को पीसेंगे मिक्सी में। खजूर मेरे बीज वाले थे, जिसमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं। वैसे तो बाज़ार में बिना बीज के भी मिलते हैं, मैंने इसमें बीज था जो निकाल दिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में पीसेंगे। मिक्सी जार मैंने छोटी वाली ली है, तो इसमें दो बार पीसेंगे, आधा आधा करके इसे पीस लेंगे हम दो बार। इसे इस तरह बारीक सा पीस लेंगे इसे हम। अब वापस दूसरा पीस लेते हैं आधा। ये मैंने पूरा पीस लिया है खजूर का, अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। नॉनस्टिक पैन को हम गरम करके खसखस को पहले सेक लेंगे। खसखस को हम लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। इसे हमें 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। हल्का सा ही इसे रोस्ट करेंगे, फिर इसे निकाल देंगे एक डिश में। हल्की सी महक आए तब तक इसे हम रोस्ट करेंगे। अब इसे हम निकालेंगे, ये हो गई है एक डिश में, इसे अब निकाल देते हैं और इसे हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसी पैन में हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डाल के इसे मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो जाए तब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू बादाम पिस्ता जो हमने काट के रखे हैं, इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे भी हमें हल्का ही भूनना है, थोड़ी सी महक आए तब इसे हम निकाल देंगे। ध्यान रहे ये जल ना जाए, अगर ये जल जाएगा तो इसके टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा ही सेकना है। अब इसे हम निकाल देते हैं एक डिश में इसे भी, और साइड में रख देते हैं। और इसी पैन में हम फिर से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और हम खजूर को सेकेंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाए तब इसमें हम पिसा हुआ खजूर डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। खजूर को भी हम लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। इसे लो मीडियम पे सेकने से ये अच्छे से सिकाई जाएंगे और जलेंगे नहीं। इसे हम हाई फ्लेम पे करेंगे सेकेंगे तो ये जल जाएगा। इसे भी हमें थोड़ा रोस्ट करना है, 5-6 मिनट तक इसे हम रोस्ट करते रहेंगे, इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। खजूर को हमने रोस्ट कर लिया है, अब इसमें हम बाकी की सामग्री मिला देते हैं। ये अच्छे से पक गया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सेके हुए काजू बादाम पिस्ता, इसमें मिला देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। काजू बादाम पिस्ता को भी हम अच्छे से मिला देंगे इसमें, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब तक इसे हम मिलाएंगे। फ्रेंड्स, राखी के त्यौहार पर हम अक्सर मिठाई बाहर से खरीद के लाते हैं, ये बहुत ही इजी बन जाता है। खजूर की बर्फ़ी जो है घर पे हम आसानी से बना सकते हैं और सारी सामग्री हमें घर पे मिल जाती है, नज़दीक की दुकान में मिल जाती है। अब इसमें हम खसखस मिलाएंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसे भी सेक लेंगे। जब तक ये अच्छे से मिल जाए तब तक इसे हम मिलाते रहेंगे। खजूर की बर्फ़ी बनाना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। खजूर और ड्राई फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, पर परिवार में अगर किसी को हेल्थ इश्यू हो तो इसे आप डॉक्टर की एडवाइस से ही खाएं। अब हमारा खजूर बर्फ़ी का मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा कर देते हैं, थोड़ी देर इसे ठंडा करेंगे, फिर इसके हम बर्फ़ी बनाएंगे। आप चाहे तो इसके छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं, लड्डू जैसे छोटे छोटे बॉल बना सकते हैं। हाथ में घी लगा के ऐसे इसे रोल रोल घुमाइए तो ऐसे रोल बना सकते हैं, आप बॉल बना सकते हैं।
लड्डू की तरह मैं इसकी बर्फ़ी बना रही हूँ। तो इसे मैं लंबा रोल बनाऊंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, एक आटा जैसे बुन लेंगे इसे, फिर इसके एक रोल का शेप दे देंगे। खजूर बर्फी और इसे का रोल अच्छे से बना लिया लेंगे। ये अच्छे से शेप में आ गया है। इसे अब हम पिस्ता से गार्निश करेंगे। एक्स्ट्रा पिस्ता डाल के इसे गार्निश करेंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस दिखेगा। इसे काउंटर पे आप पिस्ता बिछा दीजिए कटे हुए, फिर इसे प्रेस करते हुए इसे रोल घुमाते जाइए तो इसके पे अच्छे से ये लग जाएगा। इसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से दब जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा शेप और सही कर देंगे और इस पे काउंटर पे थोड़ी सी खसखस भी डालेंगे। इसे भी थोड़ा अच्छे से घुमा देंगे तो उसका भी लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। ये दिखने में भी डिलीशियस है, जितना खाने में भी टेस्टी लगेगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम एक सिल्वर फॉइल में कवर करेंगे रोल को, और फ्रीज़र में एक घंटा या आधा घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। इस तरह हम सिल्वर फॉइल काउंटर पे बिछा देंगे और बीच में इसे रोल रख के इसे दबाते हुए प्रेस करते हुए घुमाते हुए इसका रोल करेंगे। इसे अच्छे से कवर कर लेंगे हम, और इसकी दोनों साइडों से भी इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे ताकि फ्रीज़र में रखने से जो बर्फ़ी हमारी मॉइस्ट नहीं होगी और ये अच्छे से बन जाएगी। और खजूर की बर्फ़ी हमारी काटते समय हमें आसानी रहेगी। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल ना हो तो आप बटर पेपर पे भी कवर कर सकते हैं और फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, या एयरटाइट डब्बे में भी आप पैक कर रख सकते हैं। इसे मैंने आधा घंटा रख के निकाल दिया है। अब इसके हम पीसेस करेंगे, कट करेंगे इसे चाकू से। चाकू को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर इसके पीसेस बनाएंगे। नाइफ हमें तेज धार वाला लेना है ताकि इसे पीस अच्छे से कट होंगे। खजूर की बर्फी आप कोई भी सीजन में बना सकते हैं। अब इसके पीसेस करके हम इसका जो फॉइल है इसे निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया दिख रहा है। खजूर की बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। ये दिखने में भी बहुत डिलीशियस लग रहा है, उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया है इसका। तो आप भी ऐसी बर्फ़ी बनाइए घर पे। खजूर की बर्फ़ी बनानी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, फॉइल मेरा पतला वाला है सो अच्छे से निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसे पूरा ही खोल दिया है। अब इसके मैं पीसेस करूँगी तो अच्छे से ये निकल जाएगा और इसे खोलने में भी बड़ी आसानी रहेगी। ये देखिए कितने अच्छे पीसेस हो रहे हैं इसके। तो आप भी इस तरह बर्फ़ी बना के इसके कोई भी शेप दे सकते हैं इसका, चाहे लड्डू बना सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं और इस तरह राउंड में भी कर सकते हैं। तो आप भी ऐसी बर्फ़ी बनाइए खजूर की। और अगर आपको मेरी ये खजूर बर्फी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खजूर की बर्फ़ी 10 से 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी, और अगर आप इसे फ्रीज में रखेंगे तो ये महीना भर भी अच्छे से रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। और आप बर्फ़ी को इस तरह डब्बे में बंद करके पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।